अउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ होप यू आर इंजॉइंग योर लेसन तो आज हम आपको चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ाएंगे वो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इन योर सोशल साइंस एनवायरमेंटल बुक तो इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन जो फॉरेस्ट के बारे में है या मतलब अगर आप देखोगे अगर हम बात करेंगे लैंड या की तो ये वेजिटेशन ही होता है अगर हाइट इसकी चेंज हाइट में चेंज होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा द चेंज नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वो चेंज करेगा इस नेचुरल वेजिटेशन को भी द ग्रोथ ऑफ़ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर यानी कि जो ये पहाड़ पौधे उगते हैं इनका इनका बुनियादी एक्चुअली एक फैक्टर है वजह है दैट इज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल यानी कि स्लोप और ऑफ दस वेजिटेशन वेरीज यानी कि इनकी जो, इनकी जो है या इनकी जो मतलब अकसाम है वो वेरीज होती है यानी कि उनमें फ़र्क होती है फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड एक जगह से अलग है दूसरी जगह से अलग है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स क्योंकि इन जो फैक्टर्स होते हैं सॉयल या स्लो थोयल या स्लो होता है तो इसमें वेरिएशन एक्चुअली वेरिएशन इसमें होती है तो इसीलिए वेरिएशन आएगी नेचुरल वेजिटेशन में भी तो नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन द थ्री बॉड कैटेगरीज एज फॉलो यानी कि जो नेचुरल वेजिटेज है इसको क्लासिफाई किया है इसको क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में तो नंबर फर्स्ट कैटेगरी जो है वह है फॉरेस्ट पहली कैटेगरी जो है वह है फॉरेस्ट और जो दूसरी कैटेगरी है वह है टेम्परेट ग्रासलैंड और और बुशेस। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे या हम फिलहाल फॉरेस्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि फ़ारेस्ट क्या होता है विच ग्रोज बाईर टेम्परेचर रेनफॉल और प्लेंटीफुल टू तो सपोर्ट ट्री कवर यानी कि ये फॉरेस्ट वहाँ उगते हैं जहाँ इसमें टेम्परेचर और रेन रेनफॉल मतलब टेम्परेचर भी ठीक होगा और रेनफॉल भी पलेंटफुल होगा यानी कि मखसूस होगा उनके लिए उन फॉरेस्ट के लिए उनको उनको उगने की जरूरत जब पड़ती यानी कि जब वो उगते हैं तो उन उनमें उन एक टेम्परेचर भी होना चाहिए दूसरा रेनफॉल भी होना चाहिए तो जो एक दरख्त को कवर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन यानी कि अगर हम इन फॉरेस्ट की बात करेंगे जहाँ पर फुल रेनफॉल भी होगा टेम्परेचर भी होगा तो इस फैक्टर्स के जरिए डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट उगते हैं तो इस बी पार्ट है इसमें ग्रास लैंड पहला है फारेस्ट और तो दूसरा है ग्रास लैंड तो ग्रास लैंड की अगर हम बात करें कि विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन जहाँ मतलब ज़्यादा बारिश ना हो जहाँ कम बारिश ना हो यानी कि मदद बारिश जहाँ होगी तो इसके बाद है शरबस तो वो है थॉर्नी शरबस एंड शिक्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन यानी कि जो थॉर्नी शरबस है ये जो कांटेदार शरबस है और जो सिकरबस है ये खुशकी में उगते हैं ये एक्चुअली ये जो फॉरेस्ट का जो मतलब ये वे नेचुरल वेजिटेशन अगर अगर आप कोई किसी जगह भी आप देखोगे कि नेचुरल वेजिटेशन का आपके सामने टॉपिक आएगा वाइल्ड लाइफ तो आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ होती है जो जंगली जानवर होते हैं और इसी नेचुरल वेजिटेशन में वो उनका पनागा होता है तो ये नेचुरल वेजिटेशन जब आएगी तो यकीन वहाँ वाइल्ड लाइफ भी आ सकती है तो नेचुरल वेजिटेशन पर जंगलात ही नहीं है बल्कि जो हमारे आस पास जो ये ग्रीन एरियाज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पेड़ पौधे हैं तो ये भी नेचुरल वेजिटेशन में आएगी तो यानी कि जो कुदरती मतलब वेजिटेशन जो होती है उसमें जो मतलब जो जिसको पलेंटफुल वाटर और प्लेंटिफुल टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत होती है वही होता है वही ये फॉरेस्टर्स होते हैं तो जो ये जो फॉरेस्टर्स के जो अकसाम है या इनकी जो थिकनेस है मतलब मोटापा जो है इनका तो ये नेच वेरीज होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वेरीज होता है बिकॉज क्योंकि इसमें वेरिएशन होती है सोयल में भी इसमें वेरिएशन होती है स्लोप में भी तो फिर इसको तीन तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है एक तो फॉरेस्ट है दूसरा है एक है फॉरेस्ट दूसरा है ग्रास लैंड और तीसरा है सिक्रिप्ट तो इंशाल्लाह कल हम फॉरेस्ट की ओर जाएंगे इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसीडोस फॉरेस्ट है और टेम्परेट ग्रास लैंड के हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज़